गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है चाइना 32 इंच एलईडी टीवी का मदरबोर्ड, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर तो आ रही है लेकिन इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड को चारों तरफ से दिखा देता हूँ। और इस बोर्ड का मॉडल नंबर है TP.V56.PB801। और यदि आपके किसी भी चाइना एलईडी टीवी में इसी तरह की नो इंडिकेटर प्रॉब्लम या फिर स्टैंड बाई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं पैनल इंडिकेटर को बोर्ड में लगा लेता हूँ और आपको इसकी प्रॉब्लम को चेक करवा देता हूँ, इसकी प्रॉब्लम अभी क्या है। तो हमने लगा लिया पैनल, अब लगाते हैं मेन पावर केबल को। मैंने मेन पावर केबल को लगा दिया है, अब रखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को और डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। तो अब मैं मेन पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगाऊंगा और पावर दूंगा, फिर देखेंगे इंडिकेटर ऑन होता है या नहीं। तो अब मैं इस मेन पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ। तो बोर्ड में पावर आ चुकी है लेकिन इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। तो डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग हैं और कौन कौन से वोल्टेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 12 वोल्ट को। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 12 वोल्ट ओके है। अब चेक करते हैं कोयल पर 5 वोल्ट को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट यहाँ पर ओके है। अब रेगुलेटर आईसी पर चेक करते हैं, जिसका नंबर है 1118, जिसमें इनपुट 5 वोल्ट जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट यहाँ पर भी बिल्कुल ओके है। आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं 1.8 वोल्ट, जो कि ओके नहीं है। ये वोल्टेज यहाँ पर बोर्ड के ऑन होने के बाद आते हैं लेकिन यहाँ पर पहले ही आ रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर 2.6 वोल्ट, जो कि ओके नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था 3.3 वोल्ट। 5 वोल्ट इनपुट तो हो रहा है रेगुलेटर आईसी में, लेकिन 2.6 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, जो कि होना चाहिए 3.3। अब चेक करते हैं कोयल पर 1.1 वोल्ट को, जो कि बिल्कुल ओके है। और ये वोल्टेज 5 पिन रेगुलेटर आईसी से आउटपुट होती है। अब चेक करते हैं फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट को। तो फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन यहाँ पर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2.7 वोल्ट यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर शो कर रहा है। और ये वोल्टेज 1118 आईसी जो लगी हुई है 8 पिन के रेगुलेटर आईसी, उसी से आउटपुट होते हैं और फ्लैश आईसी की 8 नंबर पिन पर जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा पैनल का जो इंडिकेटर है वो ब्लू इंडिकेटर 1 से 2 बार ब्लिंक किया है और सभी वोल्टेज यहाँ पर फिर भी सेम टू सेम दिखाई दे रही है। और अब इस रेगुलेटर आईसी को हम चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले पावर केबल और पैनल, ये जो दोनों कनेक्शन हैं, इन कनेक्शन को हटा लेते हैं। तो अब पावर सप्लाई के मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आप भी कुछ इसी तरीके से कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके वर्क करें। तो अब रेगुलेटर आईसी पर लगा लेते हैं पेस्ट, लेकिन पेस्ट लगाने से पहले मैं आपको वो रेगुलेटर आईसी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो 1118 नंबर की 8 पिन की रेगुलेटर आईसी, जिसको मैं चेंज करूँगा। तो मैं आपको इसका नंबर अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आप देख पा रहे हैं 1118 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस 1118 आईसी को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद इसे डिसोल्डिंग करके बाहर निकालेंगे। तो अब रेगुलेटर आईसी पर लगाते हैं पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद असेंबली मशीन से इसे डिसोल्डिंग करेंगे। तो जब तक आईसी असेंबली मशीन से डिसोल्डिंग होती है, तब तक मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ। ये जो 1118 जो नंबर की आईसी है, जो मैंने आपको बताया है, इस 8 पिन की आईसी की वजह से ही दोनों प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एक तो स्टैंड बाय प्रॉब्लम और दूसरा नो इंडिकेटर प्रॉब्लम। और इसके अलावा भी एक और 5 पिन की जो रेगुलेटर आईसी है, जिससे आउटपुट 1.1 वोल्ट आते हैं, जो कि कोयल पर आते हैं, उसकी वजह से भी हमें नो इंडिकेटर प्रॉब्लम या फिर स्टैंड बाय प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने रेगुलेटर आईसी को असेंबली मशीन से डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल लिया है। तो मैं आपको इस आईसी को करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस आईसी का जो नंबर है वो है 1118, और ये एक रेगुलेटर आईसी है जो कि इनपुट 5 वोल्ट लेती है और आउटपुट 3.3 और 1.8 देती है। तो अब मैं इस पुराने पड़े स्क्रैप बोर्ड में से इस 1118 नंबर की आईसी को बाहर निकालूंगा और इस रेगुलेटर आईसी को उस बोर्ड में लगाऊंगा। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये वही सेम टू सेम 8 पिन की 1118 नंबर की रेगुलेटर आईसी है। तो जैसे मैंने पहले रेगुलेटर आईसी पर पेस्ट लगाया था, उसी तरीके से पेस्ट लगाकर
असेंबली मशीन से आईसी को डिसोल्डिंग करेंगे और सेम टू सेम इसी आईसी को उठाकर उस बोर्ड में लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पुराने स्क्रैप बोर्ड से 1118 रेगुलेटर आईसी को बाहर निकाल लिया है। अब इस आईसी को सेम टू सेम उसी तरीके से लगा देंगे जिस तरीके से हमने पुरानी खराब आईसी को इस बोर्ड से बाहर निकाला है, और कुछ इस तरीके से पेस्ट को लगाकर आपको रेगुलेटर आईसी को लगाना है। यदि आप भी असेंबली मशीन से आईसी को लगा रहे हैं तो कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाएं ताकि बोर्ड के जो प्रिंट है वो ख़राब ना हो और आईसी सुरक्षित लग जाए। और दूसरी रेगुलेटर आईसी को लगाने से पहले आप आईसी का पिन नंबर 1 और बोर्ड का पिन नंबर 1 देख लें वो सेम टू सेम है या नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि आईसी उल्टी लग जाए और आपके रेगुलेटर आईसी ख़राब हो जाए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1118 रेगुलेटर आईसी जो है वो लगभग हमारी लग चुकी है, और इसे थोड़ा क्लीन करके थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसे हम फाइनली टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो फाइनली इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो मैंने बोर्ड को पावर दे दिया है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब चेक करते हैं 12 वोल्ट को, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं 5 वोल्ट को, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 वोल्ट भी बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं 3.3 भी यहाँ पर हमारे बिल्कुल ओके है। 1.8 जो कि बिल्कुल ओके है क्योंकि वो ऑन होने के बाद ही शो करेगा, तो मैं ग्राउंड को फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। 12 वोल्ट ओके, 1.8 वोल्ट बोर्ड ऑन करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन होने के बाद 1.8 वोल्ट आ चुके हैं जो कि बिल्कुल ओके है। 3.3 भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल ओके है, और 1.8 भी बिल्कुल ओके है, और 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं कोयल पर 1.1 वोल्ट को जो कि बिल्कुल ओके है, और अब चेक करते हैं दूसरी कोयल पर 5 वोल्ट को जो कि बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं एलईडी जैक पर 12 वोल्ट को जो कि बिल्कुल ओके है, और पावर को हम बोर्ड में दोबारा देंगे, पावर केबल दोबारा लगाते हैं, तो बोर्ड में पावर आ चुकी है। अब इसे स्टैंड बाय करते हैं और 12 वोल्ट चेक करेंगे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लू इंडिकेटर ऑन हो चुका है और डिजिटल मल्टीमीटर 12 वोल्ट शो कर रहा है जो कि बिल्कुल ओके है। तो लगभग हमारे यहाँ पर सभी वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुके हैं, तो इस 1118 रेगुलेटर आईसी की वजह से ये 3.3 वोल्टेज मिसिंग था जो कि, और 1.8 वोल्ट पहले ही शो कर रहा था जो कि बिल्कुल भी ओके नहीं था। तो इसी आईसी के कारण इस बोर्ड में नो इंडिकेटर प्रॉब्लम और स्टैंड बाय प्रॉब्लम आ जाती है, और नो इंडिकेटर प्रॉब्लम और स्टैंड बाय प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरीके से इस रेगुलेटर आईसी को चेंज करके आप ठीक कर सकते हैं। और यदि आपके एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में 1118 रेगुलेटर आईसी नहीं है, उसके जगह 1117 3.3 वोल्ट की आईसी या फिर 1.8 वोल्ट की आईसी लगी हुई है जिसका नंबर 1117 है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रही है ये है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, जिसे 1235 कन्वर्टर भी कहते हैं। इस रेगुलेटर मॉड्यूल में हम इनपुट 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, और आउटपुट में 1.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक हम आउटपुट ले सकते हैं। और ये जो आप साइड में जंपर देख पा रहे हैं, हम किसी भी वोल्टेज पर जंपर करेंगे तो वही वोल्टेज आउटपुट में हमें मिल जाएगा जिस वोल्टेज की हमें ज़रूरत है। और यदि आप इस वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह वीडियो समझ आया होगा।